तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड उसको देखने के लिए, मतलब कि भाई 26 इंची स्कॉर्पियो एन के अंदर यार जिगरा चाहिए ये सब काम कराने के लिए ना। इसमें भाई अलाइनमेंट में कोई दिक्कत ना हो सस्पेंशन? अब भाई यार अलाइनमेंट देखेंगे तो बस, सस्पेंशन भी चेंज करवाया ना। सस्पेंशन भी चेंज है इसका, मर्सिडीज जीएलएस का डाला हुआ है। बहुत से बंदे कहेंगे कि भाई ये छोटे हैं, तो ये देख लो भाई 305 30 8 26 इंच लगे हुए हैं। और क्या लुक आ रही है गाड़ी का, अभी पीछे से देखना भाई, अब जो पीछे से लुक है इसकी, बस 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 ये देखो भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो भाई, बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, कम से कम एक साल बाद, क्योंकि भाई 2023 में लास्ट व्लॉग डाला था, अब 2024 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भाई हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लेके। तुम सोच रहे होगे तरुण भाई, जब भी आप ऐसे गाड़ी में व्लॉग बनाते हो तो बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है वो, तो आज हम जा रहे हैं भाई स्कॉर्पियो एन शूट करने, जिसमें लगे हैं भाई 26 इंच के अलॉय व्हील। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात नहीं कर रहा मैं, एन की बात कर रहा हूँ भाई, जिसमें जगह नहीं होती, उस गाड़ी में दिखाने वाला हूँ तुम्हें 26 इंच की अलॉय व्हील। और प्रॉपर डिटेल में देखना हो तो मेरे मेन चैनल पे चले जाना। तो अभी हम वही चल रहे हैं, इधर ही अपने पास भाई गुड़गांव है, गुड़गांव में जाना है और केओडी के पास किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो कि भाई सील लग चुकी है जिसमें बहुत तगड़ा, वो घाटे वाटे में पता नहीं क्या बंद कर दिया गया है वो, तो वहीं चल रहे हैं अभी। 10-15 मिनट में पहुंचने वाला हूं मैं, मेरे घर से टोटल 20 मिनट का रास्ता है उसका, तो अभी चल रहे हैं। और भाई हम ना अभी कश्मीर गए थे, तो वाले व्लॉग में मैं डालूंगा अभी इस पर, वो भी देख लेना, उसमें वो ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने सोचा चलो पहले वाला व्लॉग डाल के तुम्हें थोड़ी सी वो मतलब कि हाइप बना दी जाए वो, ठीक है। अभी फिलहाल चल रहे हैं वहीं पर ही, और फिर वहां पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और आज भाई मंडे 3:22, आज भी भाई पूरा दिन पूरा बिजी है बड़ी मस्त तरीके से। अभी 3-4 वीडियो एडिटिंग करके आया हूँ, अभी जाके और करनी है, बहुत सारा काम अटका हुआ है, क्योंकि भाई हम 20 दिन में आए थे कम से कम, वहां पर मेरी गाड़ी वगैरह भी खराब हो गई थी। तो वो वाले व्लॉग अगर देखने हो तो मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगा, तरुण व्लॉग 3445 पर। तो अभी हम चल ही रहे हैं भाई और वहां पर दिखाऊंगा। मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, मतलब कि भाई 26 इंची स्कॉर्पियो एन के अंदर यार जिगरा चाहिए ये सब काम कराने के लिए ना। पब्लिक बोल तो देती है ये वो बाप का पैसा उड़ा रहा है, ये उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है, भाई जिगरा चाहिए मेन ना। अभी चल रहे हैं वहां पर जाके आपको दिखाता हूँ। अभी पहले ना मैं भाई को फोन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कितनी देर लगने वाली है और कैसे क्या सिस्टम है। लोकेशन में पहुंच गया, अभी जो ये टम्पू दिख रहा है भाई, ये टम्पू ना गोल गोल घुमाओगे इसका टायर उठा रहा है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। और भाई जो अपना स्कॉर्पियो एन वाला भाई है वो भी आ रहे हैं, फोन कर दिया मैंने, ओ भाई ये ना एकदम लॉयस करके और ऐसे घुमाया तो इसका पिछला वाला टायर उठ गया, देखो अभी दिखाऊंगा। ये देखो स्टंट बाजी देख रहे हो टम्पू वालों की, भाई देखो भगाएगा ही। अरे भगा यार, अभी नहीं भगा रहा, नहीं तो भाई ऐसे भगा के एकदम ही टायर उठा दिया था साइड से ना। मस्त एक नंबर, यहीं की हो गए तुम? अच्छा चकरपुर, यहाँ के बैडमिंटन खेलने आए हो? भाई वाह, ये दोनों नहीं दिखते हैं। अभी एक गाड़ी आ रही है वो देखना, वो मस्त है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? और ये अबे तू तो सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटी में। सो गाइस भाई अक्सर मेरे साथ ऐसी होता है, जब मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ तो बच्चे मेरे को मिल जाते हैं कोई ना कोई, तो भी ये बच्चे मिले अपने व्लॉग वगैरह दिखते हैं, तो ये बैठे यहाँ पर मस्त वीडियो वगैरह देख रहे हैं। और अभी मैं भाई का ही वेट कर रहा हूँ, भाई कह रहे हैं 10 मिनट और, मानिए चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब रास्ते में आते हैं तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो भी यहाँ मैं बढ़िया मैच देख रहा हूँ इनका, एक दो आउट कर दिए हैं, अपनी याद आ गई, मतलब कि जब हम खेलते थे ना बचपन में भाई, मैं भी खूब बैट बॉल खेलता था, खूब पैसे वैसे लगाता था बढ़िया मस्त, मतलब कि 10 रुपये लगा ली, 10 का मैच 20 का मैच, जब छोटे छोटे थे मजा आता था ये सब चीज़ करने में ना। और अब मैं देख रहा हूँ तो कम से कम मुझे लास्ट में खेलूंगा ये कोई 5-6 साल पहले। तो गाइस अभी भाई गाड़ी आ चुकी है, और भाई इतनी मोस्टर लग रही है ना गाड़ी, बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। और अभी चल रहे हैं इसको लोकेशन पे लेके कोई अच्छी सी, ये तो पूरी खराब पड़ी है भाई, क्योंकि एक ढंगी सी अच्छी सी लोकेशन हो तो वहाँ भाई शूट करने में मजा आता है। तो अभी कोई अब बढ़िया सी लोकेशन ढूंढ लेते हैं हम इधर, और फिर चलते हैं भाई लेके। जिमें एंटर
डेंट नहीं, बैरी रखे करके गोडे ते बेंट नहीं। भाई आलो ये चेक करो भाई, क्या बढ़िया लग रहे हैं इसके। बहुत से बंदे कहेंगे कि भाई ये छोटे हैं, तो ये देख लो भाई 305 30 8 26 26 इंच लगे हुए हैं। और क्या लुक आ रही है गाड़ी का, अभी पीछे से देखना भाई, अब जो पीछे से लुक है इसकी, बस 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 ये देखो भाई कितने भार है गाड़ी से आप देख सकते हो। तो अभी इसका रिव्यू करते हैं फटाफट, मेन चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई ने ना पूरी बढ़िया तरीके से सब जगह से कटवाई हुई, इधर से देखो और इधर से दिखाऊं तो भाई ये देखो, ये पूरी इसकी कटिंग वगैरह है, क्या क्या लगा हुआ है वो आपको मेन वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है भाई। इसमें भी लगवा लो 26 भाई, मैं महिंद्रा में लगा रहा हूं। अच्छा अच्छा, मेरा सारा दिन नहीं गया, फीलिंग करवाना था तेरा। अच्छा अच्छा, बढ़िया लग रही है, मस्त। इसमें भाई अलाइनमेंट में कोई दिक्कत ना हो सस्पेंशन? अब भाई यार अलाइनमेंट देखेंगे तो बस, सस्पेंशन भी चेंज करवाया ना? सस्पेंशन भी चेंज है, इसका मर्सिडीज जीएलएस का डाला हुआ है। और कोई में चेंज नहीं हुआ भाई इसमें? और कुछ चेंज नहीं हुआ? ना सही करवा देते हमने तैयारी। दो तीन लाख रुपए हमने इसमें लगा दिए होंगे भाई, अलाई व्हील व्हील में 6 लाख रुपए लगे। 6 लाख रुपए लागे भाई, 65,000 की तो कंपनी दे रही है। हाँ, वो तो ओरिजिनल दे रही है ना, फिर ओरिजिनल उससे बढ़िया तो कुछ है कौन है। अरे वो है शौक वाली बात है, मेन चीज गाड़ी घोड़ा में तो कितने पैसे लगाते चलो तुम, खत्म ही नहीं होगा भाई। मैं महिंद्रा में हूँ, मैंने कितनी गाड़ी चलाई है, स्कॉर्पियो मेरी फेवरेट भी आई है। परसों मेरे टायर भी फट गया था गाड़ी का। अच्छा अच्छा, उसके टायर थोड़े बाहर करवा रखे हमने, उसका टायर फट गया, ये टायर भी बाहर है इसका, ये तो घनी ऊंची लग गया। ये तो बहुत ऊंची होगी, वैसी ऊंची और फिर और भी ऊंची होगी। ये लग रही है क्या साइड में? तो भाई हाँ लग गई थी यार, जैसे Z6 है क्या भाई? Z8L पेट्रोल डीजल तो गाइस अभी फिलहाल शूट वगैरह हो चुका है। तो भाई के अलॉय व्हील्स है ना वो ऐसे टाइप के हैं, तो उसमें ना जो क्रोम वाला पार्ट है, मतलब जो सिल्वर वाला पार्ट है, उसको रैप कराने जा रहे हैं हम। एक भाई है हमारा रविश, रविश नाम का, तो भाई उनकी दुकान पे जा रहे हैं, तो भाई कह रहे हैं वही चल रहे हैं, मैंने कहा चलो चल लेते हैं, तो वो करके फिर मुझे चलना है घर की तरफ। अभी देखते हैं भाई कौन सा क्या रैप वगैरह है, वो तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, वो अभी मैं दिखाऊंगा जाके तुम्हें। गाइस अभी ना रोंग आ गए थे, तो अब हमें दोबारा रोंग जाके इस वाले इस पे उतरना है सीधा। तो अभी एकदम ना तेज, मतलब खेचा खेच में पता ही नहीं चला कि कहाँ गए कहाँ नहीं। अभी ना मैं यहाँ से घूम के फिर उस वाले रोड पे जाना है, नहीं तो अगर हम सीधा जाते ना तो भाई फिर बहुत आगे निकल जाता है, फिर दोबारा घुमा के लानी पड़ती। देख लो गुड़गांव का जाम, तो मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ भाई अपने घर। आने में मुझे 15 मिनट लगे थे, जाने में मुझे लग रहे हैं 50 मिनट। तो भाई देख रहे हो जाम कितना, अभी कम से कम 20 मिनट पीछे जाम में रहा हूँ मैं और 10 मिनट यहाँ हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भाई आज हम आए हैं भाई अब बदरपुर की तरफ, तो हमने सोचा चलो अपनी कार भी वॉश वगैरह करवा लेंगे, तो एक स्टोर है साइन एंड डिजाइन, तो वहीं चलते हैं वहां पर अपनी कार वॉश कराते हैं, जहां पर मैंने एक बार और कराई थी कार वॉश, बोनट मतलब कि इंजन वगैरह पूरा क्लीन करवाया था बढ़िया तरीके से, डिटेल वगैरह कराया था, ओवरऑल भी डिटेलिंग वगैरह सब कराए थे मैंने। तो वहीं चल रहे हैं अभी, इधर से मैं नीचे मुड़ जाऊंगा और स्टोर आ जाएगा, तो चलते हैं वहीं जाके दिखाता हूँ क्या सीन रहने वाला है। आज थोड़ी तबीयत सी भी ढीली है मेरी ना, तो भाई पहले मैंने अभी जब अभी कश्मीर गया था ना, जब मैंने भाई ये लिखवाया था इस पर ना, तो मेरा मन कर रहा है इसे हटा देता हूँ। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लग रहा है और ऐसे बिचा बिचा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, थोड़ा खुला खुला होता तो और सही लगता, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसको हटा देता हूँ। और हल्का सा ये इधर से हट भी रहा है और इधर से भी हट रहा है, तो इसको भाई आज हटा देते हैं। और ये मेरे रैप के ऊपर चिपका हुआ है, तो मैं जब मैं चिपका रहा था ना इसे, मुझे लग रहा था कि भाई ये रैप भी हट जाएगा इसके ऊपर से ना जब मैं इसको हटाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हट गया। और देखो भाई जब कैसी थी गाड़ी और अब कैसी कलर में देख रहे हो, कितना डिफरेंस आ गया है भाई। अब चेक करो भाई अब कैसी लग रही है, अब ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है, खुली खुली सी, तो अब इस पर थोड़े से निशान रह गए इसके, ये देखो ये अभी थोड़ी जब ऐसे धुलेगी ना तो बराबर हो जाएगी।